14 कोसी परिक्रमा मार्ग जनोरा में श्रद्धालुओं के लिए देव शक्ति धाम एवं गंगा हॉस्पिटल की तरफ से निशुल्क कैंप लगाया गया। 14 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को फ्री दवाइयों के साथ हलवे का प्रसाद भी वितरित किया गया। गंगा हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने बताया कि पिछले 7 सालों से उनका हॉस्पिटल अपनी पूरी टीम के साथ अयोध्या में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जनौरा परिक्रमा मार्ग पर हूँ। यहाँ पर गंगा हॉस्पिटल की तरफ से ये मुफ्त सेवा शिविर लगाया गया है। परिक्रमा वासियों की निःशुल्क सेवा दी जा रही है गंगा हॉस्पिटल की तरफ से, और यहाँ पे प्रसाद भी वितरण किया गया है। और यहाँ के जो गंगा हॉस्पिटल के मुख्य कर्ता धर्ता जो मुखिया हैं, यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि आपने ये कैंप कितने सालों से आप लगा रहे हैं और किस तरह की सेवा आपका हॉस्पिटल दे रहा है परिक्रमावासियों को? नमस्कार, जय सिया राम। मैं डॉक्टर एस के मिश्रा, गंगा हॉस्पिटल से। मैं पिछले लगभग 7 सालों से मैं कैंप लगा रहा हूं, और आज की तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। आज हम लोग 12 बजे रात से ही हम लोग इस परिक्रमा की श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद की भी व्यवस्था हम लोग किए थे। जलपान और चिकित्सा की सारी व्यवस्था एक ही पंडाल में हम लोग किए थे, हमारे ढेर सारे कार्यकर्ता लोग सब मिल करके, और हम लोग अच्छे से परिक्रमा के लोगों को हम लोग सेवा किए हैं, और आगे भी ईश्वर चाहेंगे, श्री राम जी की कृपा रहेगी तो हम लोग अनवरत ऐसा कार्य करते रहेंगे। जय सिया राम। लगभग कितने श्रद्धालु आपके इस कैंप की सेवा करने लिए? अभी तक वैसे गिनती तो हमने नहीं किया, लेकिन लगभग 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु हम लोग को दवा और बाकी जो सेवाएं हैं ले चुके होंगे। और किस तरह के मरीज ज़्यादा आए आपकी से? यहाँ पे तो पैर के दर्द, हाथ पैर दर्द, दर्द वाले मरीज़ ज़्यादा रहते हैं परिक्रमा में। कुछ मरीज ऐसे होते हैं चक्कर आना या इस टाइप का कंप्लेन करते हैं पेट में दर्द, बाकी ज़्यादातर दर्द वाले मरीज रहते हैं। तो आप अपनी संस्था के तरफ से, अपने हॉस्पिटल के तरफ से देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हमारी संस्था देव शक्ति धाम सेवा ट्रस्ट है, और इसके द्वारा हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए, और इससे लोग और सीखें कि सेवा करना चाहिए। तो आप कितनी टीम लेकर यहाँ पर आए थे? लगभग हमारे पास 25 से ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे रात को 12 बजे से ही, और अभी इस समय परिक्रमा लगभग समाप्ति की तरफ है, अब मौके पे लगभग 5 बज रहे हैं, तो अब परिक्रमा समाप्ति की तरफ है। हमारी 3 शिफ्ट में सब कार्यकर्ता लगे हुए थे और सब सेवा कर रहे हैं।